हेलो कफल, हेलो गाइस, मैं आपका संवाददाता नवाज चुचला। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बिल्डिंग हैं, जैसे कि वो बिल्डिंग देख सकते हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो गाइस, कल रात में क्या हुआ ना, हम लोग बातचीत करते करते 3 बजे जा बाप करो क्या भी गाड़ी हवा आ रहा, रात में हम लोग का 3 बज गया सोते। फिर 3 बजे सोए तो हम लोग सोचे थे 7 बजे सुबह उठकर मार्केट जाएंगे, वहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट बहुत हेवी लगता है, लेकिन उठ नहीं पाए हम लोग। अभी 12 बजे उठे, उसके बाद हेवी टाइप का हम लोग भूख लग गया, तो अभी हम लोग जा रहे नाश्ता तलाश में। अभी इंदिरा मार्केट पूरा, यहाँ पे क्या होता है ना, स्टॉल हमेशा चेंज रहता, मतलब 2 टाइम शिफ्ट होता है। तो यानी कल रात में कोई और आदमी लगाया था, तो अभी सुबह में कोई और आदमी लगाया, तो देखिए हल्का हल्का स्टॉल लग रहा है यहाँ पे। धूप है यहाँ पे, लेकिन धूप में उतना गर्मी नहीं है जैसे कि हम लोग का कोलकाता में है ना, कि धूप में लू चल रहा है, तो यहाँ पे आप धूप में आराम से घूर सकते हैं, यहाँ पे इतना हैवी गर्मी नहीं है। हेलो कफल, इंडिया से हम लोग क्या किए थे ना, डॉलर लेकर आए थे, तो सबसे पहले क्या करते, मनी एक्सचेंज में जाकर अपना पैसा को कन्वर्ट करा लेते, देखते $100 का कितना बट देता है यहाँ पे। When it will be open, ma'am? This one closed already. Sunday is closed already. And you can go and roll. Okay, thank you, Aurat. तो अभी हम लोग को एक फॉरेन एक्सचेंज मनी मिला था, लेकिन जो बन है, तो हम लोग जा रहे दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मनी ढूंढने, जो कूलर है भाई। जूस पियो भाई, अलग अलग जूस बना रही है इन लोग, जूस बोल रहे बाबा अच्छी थी यहाँ पर। लेकिन एक खुशखबरी है, यहाँ पे आम आ चुका है, और यहाँ का आम जो है ना, इतना बड़ा बड़ा आम है। कहाँ यहाँ पे कहाँ जाएंगे, बस उसका वाले दो, मार्केट जाएंगे। ओह, तो अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ हम लोग मार्केट जाएंगे, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं बस का। आइए भाई, बस ऊपर में गाय, नीचे सीट, बस स्टॉप बन गया, और कोई इसका ज़रूरत नहीं। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सैम्पेन मार्केट, पटू नाम से दो ही बस जाता है, 73 और बस नंबर 204, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। कभी 11 आ रहा, कभी 74 आ रहा, कभी 704 आ रहा, कभी तो नंबर ही समझ में नहीं आ रहा। ये 11 नंबर पूछ लो। सैम्पेन मार्केट सर, सैम्पेन मार्केट, सैम्पेन। हाँ चलो, थैंक यू। स्लोली, नो प्रॉब्लम। सुकून है भैया इधर। कोलकाता का तरह यहाँ पे भी जितना सीट है उससे ज्यादा लोग है, तो हम लोग को यहाँ पे बैठने का सीट नहीं मिले, खड़े होकर हम लोग जगह मिस कर, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कोलकाता का बस में, नॉर्मल पैसेंजर बस में एसी नहीं रहता, यहाँ पे एसी रहता है, तो गर्मी का पता नहीं चल रहा। और ये रही टिकट कंडक्टर, जो हम लोगों का टिकट काटेगी, ये ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट, सारा पेमेंट लेती है, और कैश पेमेंट भी। पूछे कितना होगा, बहुत ही अच्छा जगह जा रहे, यहाँ पे लगा थी वेकी इंडियन है, बाकी सब यहाँ का थैले ले रहे। अच्छा है, कोई हम लोग लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा, हम इधर बैठ जा रहे, तुम आगे बैठ जाओ। टिकट उतरने टाइम का टिकट दिखाना पड़ेगा भाई,
एक चीज़ अच्छा है लेकिन यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है। अगर हम लोग इंडिया रहते तो कैमरा में डूब जाते दूसरा को, लेकिन देखो चचेरी को देख लो अपना अलग। जैसे हम लोग बस में बैठे उसके थोड़े ही देर बाद खाली हो गया, जितना सीट था सब खाली हो गया, बैठने का जगह पूरा बन गया। और यहाँ का बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, बहुत ही आराम है, इतना अच्छा, मतलब जहाँ पे बस स्टॉपेज है एग्जैक्टली वहीं पे रुक रहा है, लोग चढ़ने का हो रहा तो चढ़ रहे वरना उतर रहे, जहाँ तहाँ तो रुक ही रहने का। और यहाँ पे एकदम अच्छा सा टीवी भी लगा हुआ है। सो फाइनली गाइस हम लोगों का स्टॉपेज आ चुका है, हम लोग जगह में उतरे डायरेक्ट एकदम, ये जो जगह में उतरे ना ये लग रहा है। अब चश्मा गिर गया मेरा, बस के अंदर देखो। हाँ हाँ।